हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। आप सबको पता है हमारे इस चैनल के अंदर हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे वो आपके कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके RSCIT के एग्ज़ाम हो, या कोई भी आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो, उसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स मोस्टली पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम मेमोरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले जो क्लास थी उसके अंदर भी हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था, और इसके आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर मैं आपकी मेमोरी की स्पीड के बारे में आपको बताऊंगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी मेमोरी है जिस मेमोरी की स्पीड काफी अधिक काफी तेज होती है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये जो डायग्राम है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पूरे डायग्राम को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। आपको मालूम है कि सबसे तेज स्पीड जो होती है वो रजिस्टर की होती है, और जो रजिस्टर होता है यह एक प्रकार का आपके माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उसी का पार्ट माना जाता है। तो रजिस्टर जो है, रजिस्टर एक प्रकार का टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो काफी अधिक और काफी तेज होती है। इसके अंदर डेटा आपका जब तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर चालू होता है, इसीलिए ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी अधिक और सबसे तेज होती है। फिर उसके बाद आता है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी भी एक प्रकार की आपकी मेमोरी ही होती है जिसकी स्पीड आपके रजिस्टर से तो कम होती है लेकिन आपकी जो मेन मेमोरी होती है उससे काफी अधिक होती है। अब ध्यान रखिएगा, कई बार जो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस मेमोरी की स्पीड से तेज होती है, अगर उसमें क्वेश्चन के उसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर अगर रजिस्टर दे रखा है तो आपको रजिस्टर को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं दे रखा है और उसके अंदर आपको सिर्फ कैश मेमोरी दे रखी है, मेन मेमोरी दे रखी हो या सेकेंडरी मेमोरी दे रखी हो, तो आप उसके अंदर हम कैश मेमोरी को ही सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपकी आती है मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है आपकी, इस मेन मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। आपकी जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी की भी स्पीड काफ़ी तेज होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो आपकी कैश मेमोरी से तो कम होती है लेकिन आपकी मैग्नेटिक मेमोरी से अधिक होती है। और आपकी जो मेन मेमोरी जो होती है, इस मेन मेमोरी की स्पीड तो अच्छी होती है लेकिन इसकी जो भंडारण क्षमता जो होती है काफ़ी कम होती है। इसी वजह से आपकी सेकेंडरी मेमोरी का आविष्कार हुआ था, उसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन उसकी जो भंडारण क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। तो मेन मेमोरी के बाद आपकी कौन सी आती है बेटा? मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी आती है बेटा? मैग्नेटिक डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है यह एक प्रकार की आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसकी भंडारण क्षमता तो अधिक होती है लेकिन इसकी आपकी जो स्पीड होती है, एक्सेस स्पीड जो होती है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी या कह सकते हैं मेन मेमोरी या कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी से काफ़ी स्पीड जो होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में ही एक होती है आपकी फ्लैश मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी जो होती है इसकी जो स्पीड होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी से तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उससे इसकी स्पीड काफ़ी अधिक होती है। इस फ्लैश मेमोरी को हम आपके पेन ड्राइव, आपके SD कार्ड्स के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आती है आपकी मैग्नेटिक टेप। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि आपका जो सबसे कम एक्सेस स्पीड किस मेमोरी की होती है, तो सबसे कम स्पीड जो होती है वो आपकी मैग्नेटिक
टेप की होती है। इसका भी एक कारण है बेटा कि आपकी जो मैग्नेटिक टेप होती है यह आपके सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग करता है। मतलब यह हुआ कि आपकी जो मैग्नेटिक टेप होता है इसके अंदर हम डेटा को एक क्रम के अंदर स्टोर करते हैं, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको अगर हमें एक्सेस करना होता है तो उसे भी हम जिस क्रम में हमने उसको स्टोर किया है उसी क्रम में हम उसको एक्सेस करते हैं। इसी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से काफी कम होती है, और जो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसकी स्पीड आपकी मैग्नेटिक टेप से अधिक होती है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम किसी भी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर हम किसी सीक्वेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बेटा ये मैंने आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम में से आपके काफी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है, तो सबसे फास्ट स्पीड आपके रजिस्टर की होती है, रजिस्टर के बाद आपकी कैश मेमोरी की होती है, उसके बाद आपकी मेन मेमोरी की होती है, उसके बाद आपकी फ्लैश मेमोरी की होती है, उसके बाद आपके मैग्नेटिक डिस्क की होती है जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, और उसके बाद आती है आपकी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन ये आपका सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज आपको जो मेरी मैंने जो मेमोरी के बारे में आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।